This program is sponsored by Orient Best Solutions Private Limited. Best are smart, we are smarter. It's co-sponsored by Ayush Communication, the best security solution. Be safe at your home or complex. शुक्रवार कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर व्यायाम केंद्रे न्यू पॉपुलर ज्वेलर्स अनुष्ठित करे द जिम फादर इन एसोसिएशन विथ सरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बेंगल एमेच्योर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन सहयोगिता ऑल बेंगल बॉडी बिल्डर्स चैम्पियनशिप 2018 एंड सीक्रेट स्टार टैलेंट शो अनुष्ठित करा हय। एई पुरो अनुष्ठानटी सभापति सोएब वर्सीर उद्योगे परिचालना करा हयेछे। যেসব ছেলে মেয়েরা বাজে নেশার দিকে চলে যাচ্ছে তাদের সেই নেশাগ্রস্ত থেকে বের করে এনে শরীরচর্চার দিকে নিয়ে আসাই হলো তার উদ্দেশ্য। যেখানে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়ান হরিজন মল্লিক মহাসংঘের উপরাষ্ট্রপতি শ্যাম মল্লিক, প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সুমিত ব্যানার্জি এবং আরো অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। كلهم زبيرات الناس كل الناس لا الناس من شاف بس بعض الخناس الذي يسمون شو في شو يوري الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم سكار مدينة صلى الله عليه وسلم في بارگاه میں حج وطن تو فطر نظر قبول فرما اللہ تمام شیرین فاتحہ کو تو اس بارگاہ میں قبول فرما یا رسول اللہ ارحالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خد يدي سهل لنا اشبالنا بقارے کے شاعرانہ مغزنی یا رسول اللہ परिश लोह पर बना आदिना की दुनिया सरतो व बिना करते हसनतो व बिना सल्लल्लाहु तआला अला खैरि कुल कही व अला आलिही व सहाबी अजमईन रहमत पर या अरहम राहिमीन हफला।
Oh,
হচ্ছে শেখ গুলাম রাব্বানি অ্যান্ড আই এম দ্য ন্যাশনাল ভাইস চেয়ারম্যান ফর দ্য ওয়ার্ল্ড মিক্সড মার্শাল আর্টস কাউন্সিল অ্যান্ড আই এম অলসো দ্য ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ফর অল ইন্ডিয়া উলমা বোর্ড অর কাফ ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন ইনভাইটেড ইন দিস নাইস প্রোগ্রাম ইউ ক্যান সি দিস নিউ পপুলার জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন হ্যাজ স্পন্সার্ড দিস প্রোগ্রাম অফ দিস ফাদার ওয়াসি অল ওয়েস্ট বেঙ্গল বডি বিল্ডিং হ্যাঁ বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ सो एक मैसेज मैं देना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान बंगाल के यंगस्टर्स को कि आप इस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन से कुछ प्रेरणा लें जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं वो इसको देखें और आपके मीडिया के थ्रू मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए और हमारे जो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग कर चुके हैं जो कर रहे हैं जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं वो बहुत ही मुशक्कत के साथ में वो अपना प्रोफेशन को भी किए हैं वो बॉडी बिल्डिंग को अपना प्रोफेशन बनाए फिर वो हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर बने तो उनसे भी हम लोगों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए सभी को कि नशे से दूर रखें अपने आप को किसी तरह भी नशा में ना करें। सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने एक पहले भी एक प्रोग्राम किया था उन लोगों ने एंटी ड्रग्स रैली और उसके बाद में उस ड्रग रैली के जो मैसेज वो था कि आप लोग ड्रग छोड़ने के लिए जितना भी हेल्प लगेगा वो सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। ड्रग छोड़ने के बाद में जो फ़ायदा होगा आपको तो आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग करके आपका बॉडी ऐसा बन सकता है। अगर आप नशा करेंगे तो आपका बॉडी ऐसा नहीं बनेगा। तो हमारे जो सीनियर्स हैं जैसे हॉलीवुड एक्टर हैं और एक रॉकी बैल्बोआ सिल्वेस्टर स्टालोन उनको आप देखें तो उनसे भी एक बड़ी अच्छा मैसेज हम लोगों को मिलता है कि उन लोगों ने अपने ज़िंदगी में कितना हार्डशिप कितना मेहनत किया है अपने गरीब घर से उठकर आकर यहाँ भी जितने भी आप देखेंगे कोई भी अमीर बच्चे नहीं हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं सब गरीब है खुश मतलब मेहनत करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि यंगस्टर को सीखना चाहिए कि आने वाले वक्त में नशा को छोड़कर हम बॉडी बिल्डिंग को इख्तियार करें। फिजिकल फिटनेस हेल्थ इज़ वेल्थ। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर साहब ने भी बहुत ही स्क्रैच से शुरू किया था उन लोगों ने कितना आगे पहुँच गए। तो हम लोग भी अपना एक इस ममता बनर्जी की सरकार में एक अपना नशा को छोड़कर आप बॉडी बिल्डिंग पे आए बॉडी बिल्डिंग में आप अपना सेहत बनाएं एक अच्छा इन्वायरमेंट बने। तो इसी चीज़ का ये मेरा मैसेज है और मुझे ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा है। सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और इंशाल्लाह ताला मेरा समर्थन पूरा इनके साथ में हमेशा रहेगा। हमारा नाम मोहम्मद शोएब आलम वारसी आई एम फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन द जिम फादर एर ओनर आची আমাদের আজকে এখানে একটা ফাদার ওয়ার্সি অল বেঙ্গল বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ হতে যাচ্ছে যেটা নিউ পপুলার জুয়েলার অ্যালং উইথ সরো সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের সঙ্গে টাই আপ করে হচ্ছে। আর এখন কিছুক্ষণ এখন আমাদের ইয়ে ইনোগ্রেশন হবে আমাদের ইয়াসির ভাই আসবে আমাদের সুমিত ব্যানার্জি আরও অনেক ভিআইপিরা এখানে উপস্থিত আছে। ফার্স্ট ইয়ার আছে দ্য জিম ফাদার এক থেকে এটা ফার্স্ট ইয়ার আমরা অ্যারেঞ্জ করেছি যেতে আমাদের অল বেঙ্গল থেকেই লোক পার্টিসিপেট করেছে। আমরা চাইছি বডি বিল্ডিংকে একটু ভালো করে যেমনি অল স্পোর্টস এখন বক্সিং ক্রিকেট যে হিসাবে চলছে আমরাও একটু চেষ্টা করছি অ্যাজ আ সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাজ আ স্পোর্টস পার্সন কে বডি বিল্ডিংকে ও লেভেলে চেষ্টা করে নিয়ে যাব ইনশাল্লাহ। আমাদের এখানে ফার্স্ট প্রাইজ 10,000 আছে সেকেন্ড প্রাইজ 5,000 এতে 1-6 প্লেস আছে আরও ট্রফি আর ছেলেদেরকে টি শার্টস শুজ ব্যাগস শেকার্স সবই অ্যাভেলেবেল হবে। পার্টিসিপেন্ট এখন পুরো অল ওভার মানে বেঙ্গল থেকেই আছে শিলিগুড়ি খড়গপুর বর্ধমান হ্যাঁ আসানসোল সব জায়গা থেকেই পার্টিসিপেট করেছে। আমাদের এখানে খিদিরপুর থেকেও আছে আরও ভবানীপুর সব জায়গা থেকেই এসছে। হাই দিস ইজ সুমিত ব্যানার্জি মাই ইধর মে আয়া হু আজ যো চ্যাম্পিয়নশিপ বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ অর্গানাইজ হো রা হ্যায় মিস্টার ওয়ারসি তো ইয়ে মুঝে বুলায়ে হ্যায় অভি ইধর আজ চ্যাম্পিয়নশিপ কে লিয়ে অ্যাজ আ চিফ গেস্ট। तो मैं जिस दिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला है ये चैम्पियनशिप के बारे में तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था क्योंकि आज तक कोलकाता में बहुत सारा चैम्पियनशिप होता है बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप लेकिन ऐसा कोई जिम ओनर स्पेसिफिकली एक इतना बड़ा लेवल में कोई भी बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया नहीं है।
तो ये हम लोगों के लिए, बंगाल के लिए, कोलकाता के लिए बहुत बड़ी बात है। और ख़ासतौर से जो भी बॉडी बिल्डर्स लोग आज आए हैं, यंगस्टर्स जो भी हैं एथलीट्स, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है कि वो लोग भी अपना टैलेंट इधर में शो कर सके। और आप लोग देख भी सकते हो कि जिस तरह से वर्सी साहब ने जो आज का अरेंजमेंट किया है, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है। और ये फर्स्ट कॉम्पिटिशन है, तो मतलब फर्स्ट कॉम्पिटिशन, मैं बहुत सारा कॉम्पिटिशन मैंने भी ऑर्गेनाइज किया है और बहुत सारा कॉम्पिटिशन मैं चीफ जज बन के भी मैं गया, लेकिन आज का जो अरेंजमेंट अभी का मैं देख रहा हूँ, ये वन ऑफ दी नो फाइनेस्ट अरेंजमेंट, दैट मच आई कैन से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इतना अच्छी तरह से, इतना अच्छा स्टेज बनाया है। क्योंकि हम लोग जो कॉम्पिटिशन में देखते हैं वासी साहब, ऐसा अच्छा स्टेज नहीं मिलता है बॉडी बिल्डर लोगों को, तो ये माई प्लेजर। तो ये बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, और मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ क्योंकि आज वो मुझे इतना काबिल समझे कि मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे आप बुलाए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये शो भी आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और हर साल ये शो बना रहे और हम लोग इस शो में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और जो भी एथलीट टैलेंटेड हैं उनको भी अच्छा प्राइजेस मिले और टैलेंट शो करने के लिए ऐसा मौका भी मिले। मैं वो वासी साहब बता पाएंगे क्योंकि मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे उन्होंने बुलाया था, और बाकी सब भी हैं, जजेस भी हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास है, वो बेटर बता पाएंगे। मेरा जिम है, मैं पहले ऑफिस जॉब करता था, आईटी फील्ड में था, तो फिर उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग लाइन में शिफ्ट किया और मैं मिस्टर इंडिया बन चुका हूँ। इस बार मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी गया था जर्मनी में, एंड आई वॉज द ओनली एशियन गाय टू कम्पीट इन द ओवरसीज, और उधर भी मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हुए। और मेरा जो जिम है वो एक सॉल्ट लेक में है और दूसरा ब्रांच है बीटी रोड में, तो मैं उधर में कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन कराता हूँ और फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन कराता हूँ पूरा। हाँ, मैंने नौकरी मेरा जो था आईटी का वो मैंने छोड़ दिया, काफ़ी साल हो गया अभी, मतलब मान लीजिए 3-4 साल हो गया करीब करीब, और फुल टाइम मैं इधर ही फोकस कर रहा हूँ। और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मैं जो स्पॉन्सरशिप जो होता है, स्पॉन्सर्ड एथलीट, आई वॉज द फर्स्ट स्पॉन्सर्ड एथलीट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और आज मेरे पास मेरा सप्लीमेंट से लेके जिम अपैरल्स और जो खाना हम लोग खाते हैं डाइट फूड, वो सारा मेरा स्पॉन्सर्ड है। और मैं स्पॉन्सरशिप देता भी हूँ जो भी प्रॉमिसिंग एथलीट्स हैं, जिनके पास अच्छा टैलेंट है, अच्छा हुनर है, उनके लिए मेरे तरफ से जो भी होता है मैं उन लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को भी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए और जितना भी हो सके उतना हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि फर्स्ट टाइम एक कॉम्पिटिशन जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके हिसाब से अगर मैं अगर देखूँ, अभी तक का कॉम्पिटिशन अभी तक चालू हुआ नहीं है, अरेंजमेंट जो भी है, मैं 10 out of 10 वासी साहब को मार्क्स देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन मैंने कभी देखा नहीं है, इतना अच्छा अरेंजमेंट्स। हाँ हाँ, सब आ रहे हैं और इतना अच्छा अरेंजमेंट्स कभी मैंने देखा नहीं है। ये तो सही बात है, ये देखकर बहुत ही सुंदर है। और आज जो हमारे 100 वर्षीय जो उन लोगों का एक संस्था का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ही दिन हुआ इन लोगों का, कुछ ही साल, लेकिन ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सोशल वर्क। ये अभी केरला में जो भूकंप आया था उसमें ये लोग बहुत योगदान दिए हैं पीड़ित लोगों के लिए, चंदा इकट्ठा करके, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। और आज जो वेस्ट बंगाल में जो कंपटीशन जो बॉडी बिल्डिंग के जो किए हैं और जिस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है, ये तारीफ़ काबिल है। और हम लोग अपने संस्था की ओर से हमारे वर्षी भाई को और उनके तमाम सदस्यों को धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर अरेंजमेंट किया, और चाहेंगे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जो कंपटीशन है ये सफल रहे, अच्छा हो, और भविष्य में भी इससे अच्छा करे, और उनके हम लोग सब हमारे वर्षी भाई के साथ हैं। ये बहुत बड़ा बड़कपन ये संस्था के लिए कि ये सोशल समाज सेवा करते साथ साथ ये जो बॉडी बिल्डिंग है, देखा जाए नज़रिया से तो ये भी एक समाज सेवा ही है। अगर इसमें हमारा कोई बच्चा टैलेंट हो, बढ़िया उसका हुनर हो, तो इनको आगे जाने का मौका मिलेगा और वो हमारा समाज का, हमारे देश का, हमारे परिवार का, सबका नाम रोशन करेगा। हमारे जो भाई, जो भी नौजवान भाई जो ड्रग्स से एडिक्ट है और किसी रास्ते, गलत रास्ते को जो अपना लिया है, मैं उससे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि आप अपने सही रास्ते पे आ जाएं और
सही रास्ते पे आ जाएं और ये जो बॉडी बिल्डर है इससे जुड़िए, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका भी नाम होगा, हमारे समाज का भी नाम होगा और आपके परिवार का नाम भी होगा। आप ऐसे मत करिए जिससे आपका परिवार का नाम बदनाम हो, आपका बदनाम हो और आपके अंचल का, आपका एरिया का नाम बदनाम हो। तो ये अपने भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप भूले भटके जहीं भी चले गए हैं उस रास्ते पे, आप रिटर्न वापस आ जाइए घर पे। सुबह का भटका हुआ अगर घर वापस आ जाए तो उन्हें भूला नहीं कहा जा सकता। हमारा नाम श्याम मल्लिक, हमें ऑल इंडिया हरिजन मल्लिक महासंघ है, वाइस प्रेसिडेंट। मैं अजीत कुमार शाह, न्यू पॉपुलर ज्वेलर्स का ऑनर, मुझे ये प्रोग्राम में मैं अटेंड कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत हार्दिक खुशी है। इसमें आज के समाज में ये प्रोग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी न्यू जनरेशन के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही रखना ज़रूरी है एकदम ही, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने की स्कोप हो और ये इच्छा और आगे बढ़े। हाँ, इसमें जो ड्रग्स की बुराइयां हैं वो इसको ख़त्म हो, और इसके लिए ही हम लोग आगे के लिए बने बढ़ रहे हैं। जो भी गलत काम हो रहे हैं इसको बंद किया जाए और ड्रग्स वाली चीज़ को बंद किया जाए, फिर उसमें हम लोग की जो ही उन्नति आगे की तरफ में जो फाउंडेशन प्रोग्राम कर रही है ये और आगे जा कर डेवलप हो, इससे हमें हम लोगों की समाज में बहुत आगे जा कर के उत्थान होगा और हम लोग आगे की प्रोग्राम इससे भी विगत लार्ज स्केल में हम लोग करेंगे। हाँ, एकदम ही जिम की प्रोग्राम है एकदम इसमें, और बढ़िया जिम हो, इसमें न्यू बच्चे जो हैं इसमें आ कर के प्रोग्राम में अटेंड करें और आ कर के अपना एडमिशन करवाएँ और सोहेब साहिब से आकर के मिल करके इनसे इंट्रोड्यूस करके इनसे आकर के मिले। हमें वेस्ट बंगाल अमेचर बॉडी बिल्डर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, हमें एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मिस्टर 2000 साल में मिस्टर एशिया थर्ड प्लेस कर संस्था एन चला 2014 देखे हमारे बॉडी बिल्डिंग 35 बचर हो गल। ये सबसे ओल्डेस्ट एसोसिएशन 1933 रेजिस्ट्रेशन है। आज हमारे जिम फादर অ্যাফিলিয়েটেড হয়েছেন আমাদের এই সংস্থায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যামেচার বডি বিল্ডার অ্যাসোসিয়েশনে। আজকে মিস্টার সোহেব প্রথমবার এই চ্যাম্পিয়নশিপ অর্গানাইজ করছেন, মিস্টার ফাদার ওয়ার্সি, এইরকম কম্পিটিশান এটা ফার্স্ট টাইম হচ্ছে আমাদের এখানে। যেহেতু আমাদের হাইট ক্যাটাগরি কম্পিটিশান চারটে গ্রুপে হয় আর একটা মাস্টার্স গ্রুপে হয়, মিস্টার সোহেব প্রথমবার এটা অ্যানাউন্সমেন্ট করলেন যে আমি আন্ডার 20 চ্যাম্পিয়নশিপ বাচ্চাদের জন্য করব, প্লাস ম্যান ফিজিক অ্যান্ড ওম্যান ফিজিক করব আমরা। তার সঙ্গে 28 তারিখে এইটা আমি ডেট ফিক্স করলাম যে 28 তারিখে এইটাই হবে, আর 29 তারিখ আমাদের 4 গ্রুপ হাইট ক্যাটাগরি মানে ইয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ হবে বডি বিল্ডিং, আর আপনার মাস্টার্স হবে 1 গ্রুপ। আর মিস্টার সোহেব এখন এই কম্পিটিশানে হিউজ প্রাইজ মানি রেখেছেন, যে ফার্স্ট প্রাইজ 10,000 টাকা, সেকেন্ড প্রাইজ 5,000 টাকা, তারপর হচ্ছে 4-3-2-1, ওভারঅল চ্যাম্পিয়নকে ইনি দিচ্ছেন 50,000 টাকা। এনারা যেই সংস্থা, যে সোশ্যাল ওয়ার্কার যে করছেন, সরো সোশ্যাল অর্গানাইজেশন, আজকে আমাকে এইসব এদের কমিটিকে দেখে আমার খুবই খুশি বোধ করছি আমি, যে আজকে একতা হয়ে এরা এত সুন্দরভাবে যে কাজ করছে এটা আমি বুঝতে পারছি, যে বডি বিল্ডিংটাকে এনারা খুব আগে নিয়ে যাবেন। আর বডি বিল্ডিং করলে পরে কী আছে, যে আজকে আমাদের ইয়াং জেনারেশন যে নেশা মুক্ত হবে, ছেলেরা যদি আজকে ব্যায়াম করে অনেক রকম নোংরা কাজ থেকে বাঁচবে, নেশা উল্টোপাল্টা ঝামেলা এইসব কিছুতে থাকবে না। যে শরীর চর্চা করতে গেলে, যে শরীর একটা মন্দির, যে ছেলেরা যখন বুঝবে তখন দেখবেন রাস্তা নিজের চেঞ্জ করে নেবে ছেলেরা। আমি সবার কাছে দর্শককে একটাই কথা বলতে চাই, ইয়াং জেনারেশন আসুক, ব্যায়াম করুক, নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুক, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলথ। देखिए आज बॉडी बिल्डिंग हो गया एक तरह का, लड़का लोग आज बॉडी बिल्डिंग, हम लोग का टाइम में एक अलग था, हम लोग घर का खाना खा के बॉडी बिल्डिंग किया, और आज का बॉडी बिल्डिंग बहुत कॉस्टली गेम हो गया है, जैसे मदर ऑफ गेम। हर गेम के लिए आपको बॉडी बिल्डिंग ज़रूरी है, आप हॉकी खेलिए, क्रिकेट खेलिए, आपको बॉडी बिल्डिंग करना पड़ेगा, इसलिए इसको दिया गया मदर ऑफ गेम। जो आज लड़का लोग जो बॉडी बिल्डिंग में जो खर्चा करता है, जहाँ देखता है जो कहीं पर एक ह्यूज अमाउंट प्राइस है, वो लड़का लोग 2-3 दिन से अपना खाना पीना छोड़ के बॉडी का पीछे खर्चा करके एक कंपटीशन में अटेंड करता है। कल 29 को जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हो रहा, आप लोग उसमें आके देखिएगा जी किस तरह का बॉडी का मसल डेमोस्ट्रेशन करता है लड़का लोग, और कैसा मेहनत करके बॉडी बनाता है।
तो आज ये लोग को यदि लाख रुपये भी दिया जाए तो कम है। आज देखिए बॉडी बिल्डिंग को गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी दिया नहीं। आज हमारा ममता बनर्जी गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग का 1933 का ये एसोसिएशन है, तो हम लोग बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के साथ जुड़ी हैं, एफिलेटेड हैं, और कोई भी वेट क्लास कोई भी नहीं है उसमें उसके साथ। आज ममता गवर्नमेंट हर क्लब को देखिए 2 लाख करके दिया है, तो हम लोग को थोड़ा एक खराब लगता था, जो एक छोटा मोटा क्लब 2 लाख रुपये के दीदी हम लोग को दे रही है। तो हर क्लब के एक एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना। तो आज ममता बनर्जी का हम थैंक्स बोलना चाहते हैं, जो आज हम लोग को 5 लाख रुपये के वो दी। आज वो 5 लाख रुपये लेके आज हमारा एसोसिएशन में बहुत सा डेवलपमेंट हम लोग किया है। इसका जैसे हम लोग बंगाल ओलंपिक का जैसे स्वपन बनर्जी जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है बहुत डेवलप किए हैं, हम लोग अजीत बनर्जी प्रेसिडेंट वो भी बहुत डेवलप किए हैं। इन लोग आने के बाद आज स्पोर्ट्स जगत जो है थोड़ा हाई रैंक में गया है।